स्वीकृत पथ नहीं है। शिवपुरी से देवेश सेन की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के गुना जिले के ग्राम सागर में पर्यावरण सप्ताह के चलते पानी की किल्लत झेल रहे ग्रामवासियों के साथ अनुविभागीय अधिकारी ने एक नई पहल शुरू की। पर्यावरण सप्ताह के चलते गुना जिले के ग्राम सागर में तालाब का गहरीकरण और जीर्णोद्धार की अनुविभागीय अधिकारी जेपी गुप्ता ने एक नई पहल शुरू की। जन भागीदारी, समाज सेवियों और अधिकारियों ने, साथ ही ग्राम सागर के ग्रामीणों ने श्रम दान कर ग्राम सागर के तालाब का गहरीकरण का काम शुरू कर दिया, जिससे गहरीकरण के कारण जल स्तर बढ़े। प्रशासन की इस अनूठी पहल में लोगों ने अपना सहयोग प्रदान किया, जिससे इस तालाब का गहरीकरण हो सके और साथ ही सौंदर्यकरण हो सके। चाचौड़ा से अमित चौरसिया की रिपोर्ट। किया जा रहा है, क्या उद्देश्य है और किस माध्यम से किया जा रहा है? जैसा कि आप सभी को मालूम है, जल स्तर लगातार नीचे गिरता हुआ चला जा रहा है। पशु, जानवर, इंसान, सभी लोग, पशु पक्षी सभी लोग पानी के लिए परेशान हैं। इसलिए वाटर लेवल बढ़ाने के लिए हमने एक तालाब का चयन किया है, सागर तालाब। काफ़ी प्राचीन तालाब है, ये ऐतिहासिक तालाब है। इसके गहरीकरण के लिए हम जन सहयोग से, श्रमदान के माध्यम से और NGOs के माध्यम से इसमें श्रमदान की अपील करते हैं। आज से कार्य प्रारंभ किया है। विश्व पर्यावरण दिवस पर हम चाहते हैं कि इसका अधिक से अधिक गहरीकरण हो, फिर इसका सौंदर्यीकरण भी हो, लोग यहाँ पर आएँ, घूमें और देखें इसको। लगभग कितने एरिया में इसकी खुदाई की जाएगी? अभी तो हम शुरुआती, हमारा स्तर ये है कि करीब 15 फीट तक इसकी गहराई खुदाई की जाएगी, जिसमें पानी भरा रहेगा। फिर जितना हमें जन सहयोग मिलता जाएगा उतना हम पूरा, जिसका लगभग 35 से 40 बीघा एरिया है, इसको पूरे का प्रयास करेंगे हम इसके गहरीकरण।